सभी भाइयों को राम राम। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। अभी ड्यूटी के लिए निकला हूँ मैं, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा जो मेरा प्रोसेस चला हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस का उसके बारे में अपडेट कर दूँ। तो मेरा जो लर्निंग परमिट है वो आ गया है, तो अभी मैं जो ट्रेनिंग है यहाँ पे ले सकता हूँ। क्लासेस जो कार सीखने की होती है वो क्लासेस मैं यहाँ पे अभी ले सकता हूँ लीगली। वैसे बिना लर्निंग के आप यहाँ पे क्लासेस नहीं ले सकते। बहुत ही बड़ा यहाँ पे जो सिस्टम है वो ऐसे इस हिसाब से चलता है। अपने वहाँ तो इंडिया में क्या है, लाइसेंस है नहीं है कोई मैटर ही नहीं करता। आप गाड़ी सीख लेते हो, बड़े बड़े ट्रक सीख लेते हो बिना लाइसेंस के। बट यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप यहाँ पे नहीं सीख सकते जब तक आपके पास अथॉरिटी नहीं है सीखने के लिए। तो उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी अपडेट दे दूँ, क्योंकि अपडेट काफ़ी दिन हो गए आए हुए, 10 दिन हो गए कम से कम आए हुए अपडेट। तो जो अभी ड्राइविंग लाइसेंस चला हुआ है माल्टा में, वो पहले जो ड्राइवर आते थे जॉब पे हमारे भाई एशियन, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान नेपाल या कहीं भी, मतलब दूसरी कंट्री से आते थे, थर्ड कंट्री से जो आते थे, तो उनके लिए मतलब टफ़ हो गया है अभी यहाँ पे। डायरेक्टली वो आ करके डायरेक्टली ड्राइव नहीं कर सकते। पहले ऐसा था कि जैसे ही आप अपनी कंट्री से आते हो, थर्ड कंट्री से आते हो यहाँ पर माल्टा में, डायरेक्टली ड्राइव कर सकते थे अपने जो लाइसेंस पे, ठीक है, जो आपका लाइसेंस होता था आपकी कंट्री का, आप उसके ऊपर ड्राइव कर सकते थे लीगली 1 ईयर तक। बट यहाँ पे कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए, एक्सीडेंट वगैरह हुए, या फिर कुछ और लगा लो आप, काफ़ी चीज़ें मतलब ऐसी यहाँ पे घटी है जिसके कारण गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफ़ी सारे बदलाव किए हैं थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड कंट्री को लेकर के। थर्ड कंट्री के लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, बाकी EU के लोगों के लिए तो सेम है। उनके लिए कोई चेंजेस नहीं आया है कि उनको मतलब उनकी कंट्रीज का लाइसेंस नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। खाली थर्ड कंट्री के लिए ही ये अपडेट है। तो जैसे आप आओगे आपको यहाँ पर आ करके माल्टीज लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, EU जो लाइसेंस होता है, ठीक है, जो आपका माल्टा का लाइसेंस होता है उसका प्रोसेस 2 से 3 महीने से 4 महीने तक जो प्रोसेस है वो लग जाता है। अगर आपको ड्राइव आती है अच्छे से तो आपको मे भी थोड़ा कम प्रोसेस लगे। तो भी मैं साथ साथ जो क्लासेस है उसकी थ्योरी की वो भी ले रहा हूँ, थ्योरी क्लासेस। बट अभी जो मेरा परमिट है, तो परमिट आया है, तो अभी मैं अभी स्टार्ट करूँगा अपनी जो लर्निंग की क्लासेस है। तो क्लासेस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने जो आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप सीख रहे हो वहाँ से आप उनसे कांटेक्ट करो। आपका जो एक लेटर आया, मेरे पास एक जो लेटर आया, तो मैं वो आपको खोल करके दिखाता हूँ। अभी मैं थोड़ा बस का वेट कर रहा हूँ, मेरी बस जो है वो आने वाली है। तो जैसे ही मैं जॉब पे पहुँचूँगा तो वहाँ पे फ्री होऊँगा, फिर मैं आपको खोल करके दिखाऊँगा उसको कि उसमें क्या लिखा है, क्या परमिशन दी हुई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि ट्रेनिंग में वो क्या क्या सिखा रहे हैं, कौन सी कार है, कितना पैसा ले रहे हैं, मतलब पूरी डिटेल में बताऊँगा। तो अभी मेरा बस आ गया है, आगे जाके खोल करके मैं लेटर में बताऊँगा क्या क्या लिखा है लर्निंग में। तो गाइज मैं अभी अपने रूम में हूँ, ड्यूटी में मेरा टाइम नहीं लगा एक्चुअली कि मैं आपको ये बता सकूँ अपने लेटर के बारे में। ये देखो आप लेटर, ये मेरा आया है जो ये आया है अपना ट्रांसपोर्ट माल्टा से, ये आप देख सकते हो। अभी मैं इसको खोलने वाला हूँ और अंदर देखेंगे इसके अंदर क्या है। तो चलो फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं खोलना इसमें। ओके, तो ये सील बंद है, इसको अभी हम खोल रहे हैं। तो अंदर इसके कुछ भी नहीं है, ये पेपर जो है ये इसके अंदर निकला है। इसमें अभी दिखाते हैं आपको क्या है। तो गाइस इसमें मेरा जो है एड्रेस लिखा हुआ है, मेरी फ़ोटो वगैरह है, सिग्नेचर है इसमें, और इसमें लैंड ट्रांसपोर्टर, ये लर्नर परमिट है, द ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर। ओके, तो इसमें डिटेल वगैरह दी हुई है, मैंने अप्लाई किया, मेरा फाइल नंबर वगैरह, वैलिड कितना है, ये जो वैलिड है इसकी मैं एक्सपायरी डेट बता देता हूँ कितने, 3 साल की एक्सपायरी डेट है, 8/7/23 में मैंने
स्टार्ट किया, तो ये 26 में मेरा जो है वो एक्सपायर होने जा रहा है। तो ये आप देख सकते हो मेरा फ़ोटो के साथ में, ये है लर्निंग परमिट, ठीक है। और तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें और क्या दिया है, ये दिस डॉक्यूमेंट सर्व एज ए रिसिप्ट फॉर द फी पेमेंट। तो ये 23-25 का जो इसका पेमेंट है, इसको इशू करवाने का वो लगता है इसका पेमेंट। इस साइड से आप देख सकते हो, इस साइड से मेरा एड्रेस वगैरह, तो उसको मैं थोड़ा छुपा लेता हूँ एड्रेस। तो यही है गाइस, क्योंकि मैंने जो फ़ोटो दी थी वही इसमें छप करके आई है, बाकी और इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। बट ये है कि मैं इस बेस पे अभी ट्रेनिंग करने वाला हूँ, ये ऐसा करके आता है, आपको पहचान हो जाएगी अगर आपका जब आएगा, आप माल्टा आओगे या किसी भी और कंट्री में आओगे, तो ऐसे करके लर्नर परमिट लेना पड़ता है ड्राइविंग के लिए। फिर उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा आपका, फिर उसके बाद आपको अगर टैक्सी चलानी है या फिर काम करना है यहाँ पे, तो फिर उसको उसके लिए आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, ब्लू बैच कुछ ऐसे करके होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर वो लेने के बाद तब आप यहाँ पे लीगली काम कर सकते हैं। लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा 3-4 महीने लग जाते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बाकी मैं कितने टाइम में सीखता हूँ वो मैं आपको पूरा डिटेल जो है वो बताऊँगा। अभी एक दो दिन में मैं क्लासेस लेने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरा अभी इंस्ट्रक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी चला हुआ है, उसके पास पहले से अपॉइंटमेंट है, उसको पहले से ही बुक करके रखा हुआ है टाइमिंग के हिसाब से। तो जो भी उसके पास टाइमिंग खाली होती है उस टाइम पे आप क्लास ले सकते हो, अदरवाइज़ ये हो सकता है कि जैसे आपका टाइम कई बार क्या है मैच नहीं करता उसके साथ में, जब आप फ्री हो वो बिज़ी है, जब वो बिज़ी है तो आप फ्री हो, तो ऐसा चलता है। बट ये है कि अभी मैं छुट्टी वाले दिन सोच रहा हूँ, फ्राइडे छुट्टी रहता है जैसे मेरा, कई बार ट्यूसडे भी हो जाता है, बट ये डिपेंड करता है काम के ऊपर। अगर मेरा छुट्टी होएगा तो फिर मैं क्या करूँगा कि पूरी छुट्टी में मैं 3-4 घंटे की एक साथ क्लास लूँगा, तो फिर इसे ही है कि मैं जल्दी सीख जाऊँगा। अगर 1-1 घंटा डेली का लूँगा तो थोड़ा वो भी इतना सही नहीं है। तो जैसे टाइम होगा, मतलब मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा जो भी सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो जो भी भाई चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आप लोगों को पता ही है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।